आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पिकल। ये कम तेल मसालों से बना हुआ सर्दियों का खास अचार है जो बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। आप इसे साल 6 महीने आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्ता किचन। चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ ये सब्जियाँ ली हैं। इन्हें अच्छे से धोकर सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। ये 500 ग्राम गाजर है जिसे मैंने लंबाई में कट किया है। ये 100 ग्राम अदरक है, इसे ग्रेट किए हैं। मिर्च है, इसे लंबाई में कट किए हैं। और ये 2 फूल गोभी है, इसके छोटे छोटे फूल निकाल कर इसे भी कट कर लिए हैं। अब एक भगोने में 2 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। इसमें 1 स्पून नमक और 1 स्पून हल्दी डालेंगे, मिक्स करेंगे और तेज गर्म पानी होने पर कटी हुई अपनी सब्जियां डालेंगे। इन्हें हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ही कुक करना है। ऐसा करने से सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और अंदर तक सब्जियों में नमक भी चला जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। इस अचार को हम लोग सर्दियों में हमेशा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग बिल्कुल डाउट ना रखें कि अचार अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए, 4 से 5 मिनट पकने के बाद ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और दबने भी लगा है। बस इतना ही पकाना है, इससे ज्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। सब्जियां थोड़ी खड़ी ही रहना चाहिए। और अब इसका पानी सारा हम निकाल देंगे। गरम पानी में 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब हम हरी मटर को भी थोड़ा बॉईल करेंगे। ये 500 ग्राम मटर है। मटर का कलर अचार बनने के बाद एकदम हरा रहे, इसके लिए हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और मटर डालेंगे। थोड़ी ही देर में मटर कुक होके ऊपर आ जाएगी, बस इतना ही उसे हम पकाएंगे और गरम पानी से निकालकर ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इसकी कुकिंग रुक जाए और इसका कलर भी ग्रीन रहे। और अब ठंडे पानी से निकालकर एक थाली में रखकर इन्हें हम धूप दिखाएंगे, जिससे इन सब्जियों का मॉइस्चर खत्म हो जाए। 2-3 घंटे की अच्छी धूप दिखाएंगे। अदरक हरी मिर्च भी ली थी, इसे भी हम धूप में रख देंगे और गोभी गाजर को अलग अलग करके बराबर से धूप में फैला देंगे। तब तक हम अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून मेथी, 2 स्पून सौंफ, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1/2 स्पून अजवाइन, 1 स्पून पीली सरसों, 1 स्पून काली सरसों, 1 स्पून खड़ी धनिया। अब हम इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करेंगे और बस प्लेट में निकाल लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे और अब उसी गरम पैन में 1 स्पून कलौंजी यानी मगरेल और 1 स्पून राई और 1 स्पून हींग डालकर बस हल्का सा ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि पैन तो ऑलरेडी गरम है। इन मसालों को हमें पीसना नहीं है, हमको ये एक मसाला खड़ा ही अचार में ऐड करना है। और जो मसाला प्लेट में ठंडा होने के लिए रखे थे, उसे हम हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये सब्जियों को हमने धूप में अच्छे से सुखा कर ले लिया है। अब इसमें मटर भी मिला देंगे, जो मसाला ग्राइंड किया था उसे भी इसमें मिला देंगे, और जो गरम पैन में बाद में मसाला रोस्ट किए थे उसे भी इसमें मिला देंगे। और अब 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, और ढेर सारा लहसुन मैंने छीलकर कुचल लिया था उसे भी यहाँ डालेंगे। 3 बड़े चम्मच हम नमक मिलाएंगे। नमक हमें इसमें ज्यादा ही डालना है, नमक से अचार हमारा सेफ रहता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 कप के करीब इसमें सरसों ऑयल डालेंगे। 2 नींबू का रस मिलाएंगे और साथ ही नींबू के 4 भाग करके इसमें डाल देंगे। इससे अचार में थोड़ा खट्टापन भी आएगा और नींबू अचार को प्रिजर्व भी रखेगा, जिससे अचार खराब नहीं होगा। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे तेल और सभी मसाले सब्जियों में अच्छे से कोट हो जाए। अब इसमें थोड़ा तेल और मिलाएंगे, लास्ट में हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक सूती कपड़ा डालकर इसको हम 1 दिन की धूप दिखाएंगे। और फिर अचार को साफ कांच के कंटेनर में भरकर रख लीजिए। चाहे तो आप 2-4 दिन की धूप इसमें और दिखा दें, इससे अचार अच्छे से गल जाए और अच्छे से इसमें धूप भी लग जाए। अचार हमेशा सूखे और साफ चम्मच से निकालिए। जार का ढक्कन अच्छे से बंद करके रखें। ऐसा करने से अचार खराब नहीं होता। और ये देखिए, हमारा मिक्स वेज सुपर टेस्टी अचार बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।